हैं नेशन न्यूज, मैं हूं आपके साथ खुशबू सांगवी। बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए से अलग हुई लोजपा बीजेपी के साथ मित्रता की राग अलाप रहा था, तो वहीं अब दूसरे चरण के चुनाव के लिए लोजपा अपने प्रत्याशियों को मैदान में उतारने की जो कवायद है वो शुरू कर दी है। पार्टी ने इसके जरिए साफ कर दिया है कि वो अपनी दोनों सिटिंग सीट लालगंज और गोविंदगंज से अपने उम्मीदवारों को उतारना चाहती है, क्योंकि वर्तमान में लोजपा के ही विधायक दोनों सीटों पर हैं। और आपको बता दें कि भाजपा ने भी अपने दो प्रत्याशियों को यहां से चुनावी मैदान में उतारा है। इस संबंध में लोजपा ने साफ कर दिया है कि उक्त दोनों सीटों पर जो हमारे वर्तमान विधायक हैं, इस वजह से उन्हें दोनों सीटों पर उम्मीदवारों को उतारने का मन बना लिया। हालांकि बीजेपी ने भी अपने दो उम्मीदवारों को इस सीट से उतारा है। आपको बता दें कि चिराग पासवान शुरू से ही कहते आ रहे हैं कि वो एनडीए में नीतीश कुमार के नेतृत्व से नाराज चल रहे हैं, लेकिन अब जब दूसरे चरण के उम्मीदवारों की लिस्ट जारी होने वाली है तो उन्होंने साफ कर दिया है कि वो अपने दोनों सीटिंग सीट पर अपने उम्मीदवार को उतारेंगे। आपको बता दें कि पहले चरण के लिए चिराग पासवान ने 42 प्रत्याशियों को चुनावी मैदान में उतारा है, जिसमें एक भी भाजपा के खिलाफ नहीं है, लेकिन दूसरे फेज में लोजपा, भाजपा और जेडीयू के बागी नेताओं को लोजपा प्रत्याशी बना सकती है। कई ऐसे नेता लोजपा के संपर्क में है। पहले चरण में भाजपा के आधा दर्जन नेताओं को लोजपा का सिंबल दिया गया है। पूर्व मंत्री व जेडीयू नेता भगवान सिंह कुशवाहा को लोजपा ने जगदीशपुर से उतारा है। गौरतलब है कि लोजपा चीफ चिराग पासवान की जेडीयू से अदावत काफी वक्त से देखी जा रही है। चिराग पासवान ने यह साफ कर दिया है कि वो किसी भी हाल में नीतीश के नेतृत्व में चुनाव नहीं लड़ने वाले हैं। अपने फैसले पर कायम रहने के लिए चिराग पासवान ने एनडीए से साइड होकर 143 सीटों पर अपने प्रत्याशियों को उतारने का फैसला किया है। तो अब देखना होगा कि लोजपा के इस स्टैंड से बीजेपी की तरफ से क्या रिस्पॉन्स आता है। तो ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए नेशन न्यूज के साथ। नमस्कार।